प्रस्तुत करता बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश। आज सुबह 11 बजे होगी योगी कैबिनेट की बैठक। लोक भवन में कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक, कई अहम प्रस्ताव पर होगी चर्चा। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी यूपी सरकार। अम्बाना याचिका पर जवाब के लिए कोर्ट ने दी थी आज की तारीख। कानपुर के चंद्रेश्वर हाता से एक शख्स ने सीएम योगी को लिखा पत्र, दोबारा हिंसा होने की जताई आशंका। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम की पत्नी की याचिका पर आज सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीडीए की कार्रवाई के खिलाफ है याचिका, पीडीए ने ध्वस्त किया था जावेद का घर। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाहिद का मामला, याचिका पर 21 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। याचिका पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने रखी दलील, महीन प्रताप सिंह ने स्टे कोर्ट कमीशन और सर्वे की मांग की, याचिका दाखिल की है। ग्लोबल मेसे समिट और हर घर तिरंगा को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा, अफसरों को दिए दिशा निर्देश, कहा 13 अगस्त से 15 अगस्त के कार्यक्रम में बने रूपरेखा। लुलु मॉल में नमाज पर सीएम योगी का बयान, सार्वजनिक जगह पर नहीं होनी चाहिए नमाज पूजा, लखनऊ प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, अराजकता फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। एम्बुलेंस में खराबी की शिकायतों पर डिप्टी सीएम सख्त, ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य महानिदेशक और एमडी एनएचएम से मांगी रिपोर्ट। सीएससी एरोला आजमगढ़ में एम्बुलेंस खराबी के मामले का लिया संज्ञान। यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी हटाए गए, ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटाया गया, ट्रांसफर में अनियमितताओं को लेकर हटाए गए अनिल कुमार पांडे, अनियमितता को लेकर सीएम ने दिए थे जांच के आदेश। नूपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पारदीवाला की बेंच मामले को सुनेगी। पटना में आतंकी मॉड्यूल के सामने आने के बाद हुई उच्चस्तरीय बैठक, सूत्रों के मुताबिक बैठक में एनआईए रॉ समेत कई केंद्रीय एजेंसियों के अफसर हुए शामिल। महाराष्ट्र के वासिम में हिजाब पर विवाद, नीट की परीक्षा देने आए छात्राओं से हिजाब उतरवाने का आरोप। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, विपक्षी तरफ से हंगामे के आसार, पक्ष का आरोप सरकार सवालों का नहीं देगी जवाब। अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, याचिका में योजना पर रोक लगाने की मांग, केंद्र सरकार ने की कोर्ट से उनका पक्ष सुनने की अपील। सुप्रीम कोर्ट में आज मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में यूपी में दर्ज सभी एफआईआर में फिलहाल कार्रवाई पर लगाई रोक। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंद्र अधिकारी का विदेश मंत्रालय को पत्र, बांग्लादेशी हिंदू समुदाय के साथ हो रही हिंसा मामले में हस्तक्षेप की मांग।